हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मृत्यु की प्रतीक्षा में एक बूढ़ी स्त्री की लंबी कहानी ए लड़की का मंचन शुक्रवार को कालिदास अकादमी के पंडित सूर्यनारायण व्यास के संकुल हाल में हुआ। यह कथा अपनी स्मृति में पूरी तरह डूबी स्त्री का जगत छोड़ते हुए अपनी बेटी को दिया निर्मोह का उपहार नजर आई। सांस्कृतिक संस्था अभिनव रंगमंडल उज्जैन इंदौर द्वारा मध्य प्रदेश नाट्य समारोह अर्जुन सिंह रंगोत्सव में शुक्रवार को मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया ने दीप प्रज्वलन कर नाट्य मंचन का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व विधायक राजेंद्र भारती, कांग्रेस नेता बहादुर सिंह मौजूद रहे। अभिनव रंगमंडल प्रमुख शरद शर्मा के अनुसार संस्था द्वारा अर्जुन सिंह के सांस्कृतिक योगदान को दृष्टिगत रखते हुए उनकी स्मृति में आयोजित नाट्य समारोह में लेखिका कृष्णा सोबती द्वारा रचित ए लड़की नाट्य का मंचन अयाज खान के निर्देश में परिवर्तन समूह ग्वालियर द्वारा प्रस्तुत किया गया। उज्जैन से अजय निमा की रिपोर्ट। देखिए, मैं वैसे तो इस देश में सबसे पहले राष्ट्रीय नाट्य समारोह की शुरुआत अभिनव रंगमंडल, मैं उसका सूत्रधार हूँ। जाहिर है कि वो अभिनव रंगमंडल और शरद शर्मा एक दूसरे से प्रयास। अर्जुन सिंह जी के प्रति मेरा जो आदर, सम्मान और श्रद्धा है, वो इसलिए नहीं कि वो एक राजनेता थे। उनके प्रति आदर होने का कारण है संस्कृति के क्षेत्र में उनके द्वारा दिया गया योगदान। आई डोंट थिंक के नेहरू जी और मौलाना आज़ाद, मतलब इस देश में शुरुआत जो की थी पंडित नेहरू ने, इस देश में सब दूर रविंद्र भवन कलाकारों के लिए बनवाए थे। मौलाना आज़ाद ने अकेडमियाँ बनवाई दिल्ली में, लेकिन अर्जुन सिंह जी ने न सिर्फ अकेडमियाँ बनवाई, भारत भवन जिसको श्रीमती गांधी ने देश की राजधानी कहा था, अलावा इसके ढेर सारे सांस्कृतिक संस्थान बना, ढेर सारे पुरस्कार बना, ढेर सारी पत्रिकाएँ निकली, ढेर सारी संस्थाएँ बनी। और ऐसा कोई काम नहीं है संस्कृति के क्षेत्र में, चाहे वो संगीत का हो, नृत्य का हो और नाटक का हो, पेंटिंग का हो, लोक कलाओं का हो, जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान नहीं मिली। मध्य प्रदेश इस देश का अगर मॉडल राज्य बन सका कला के क्षेत्र में, तो वो अर्जुन सिंह जी की वजह से। और यही कारण है कि मैं उनके सम्मान में, उनके आदर में ये समारोह करता हूँ। लगातार कितने वर्षों से आप ये समारोह करते आ रहे हैं? देखिए, मैंने एक तो दाऊ साहब के जीवन काल में एक किया था अर्जुन सिंह संस्कृति प्रसंग, उनकी डेथ के बाद मैं 2012 से ये कर रहा हूँ। और मैं इसके लिए किसी के पास चंदा मांगने नहीं जाता, ना किसी राजनेता के पास, ना किसी शहर में या किसी अधिकारी के पास। बस मेरी उनके प्रति आदर और भक्ति है, वो मैं व्यक्त करता हूँ। आज कार्यक्रम का विषय क्या था? आज का इस उस पर प्रस्तुति थी ये नाटक का मंचन। ये नाटक का डायरेक्टर बताएगा मेरे अलावा तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि मेरा नाटक होगा 24 तारीख। ये कृष्णा सोबती जी की एक कहानी है। एक माँ और एक बेटी एक कक्ष में है, और माँ को मालूम है कि वो जा रही है, लेकिन जैसे हर माता पिता को अपने बच्चों की चिंता होती है, वही चिंता माँ की भी है। ठीक, शरद जी ने पिताजी के नाम पर जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा है, एक बहुत अच्छा प्रयास है। मैं इनकी और इनके सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे पिताजी कला प्रेमी थे और उन्होंने मध्य प्रदेश में एक अलग पहचान अपनी कला के क्षेत्र में बनाई थी। उन्हीं से जुड़े हुए शरद जी हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस कला को आगे बढ़ाने में अपना प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश में और भी कहीं ऐसे प्रोग्राम होते हैं क्या उनके नाम से? नहीं, मध्य प्रदेश में तो सिर्फ शरद शर्मा जी करते हैं, भैया भी करते हैं, उनके जन्मदिन पे एक बड़ा मुशायरा होता है। हमारा अलग है, पर ये जो इस तरह से करते हैं ये अलग। बहुत बहुत बधाई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना